दोस्तों एक इंसान को इज्जत उसके करेक्टर की वजह से मिलती है। दुनिया के जाने माने मार्शल आर्ट्स के बादशाह ब्रूस ली का कहना था कि नॉलेज आपको पावर देगी लेकिन आपका करेक्टर आपको रेस्पेक्ट देगा। दोस्तों इसीलिए आपका करेक्टर बहुत ही ज्यादा अच्छा और पावरफुल होना चाहिए क्योंकि तभी लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे। दोस्तों अगर आपकी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता तो आपको अपनी हैबिट में कुछ बदलाव करने होंगे। इसे करने के बाद आपके दोस्त, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके रिलेटिव्स सब आपकी इज्जत करेंगे, आपकी वैल्यू समझेंगे, लोग आपको भाव दे बगैर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल सरबदीप फैक्ट्स, जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है और करता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, डोंट बी अवेलेबल फॉर एवरीवन। दोस्तों एक बात आप अपना कॉमन सेंस लगाकर बताओ, आप किस व्यक्ति को ज्यादा इज्जत देते हो? उस व्यक्ति को जो हर रोज आपके घर आता है या उस व्यक्ति को जो कभी कभी आपके घर आता है? ऑफ कोर्स आप दूसरे वाले को ज्यादा इज्जत देंगे क्योंकि वह आपके घर में कभी कभी आता है। दोस्तों आप एक बात बताओ, लोहा और सोने में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? ऑफ कोर्स सोने की है। लेकिन क्यों? दोस्तों सोना बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और लोहा कहीं पर भी मिल जाता है। दोस्तों इससे पता चलता है कि जिसकी मात्रा कम है उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। इसीलिए कहने का मतलब है कि आप लोगों के लिए ज्यादा अवेलेबल ना रहे। दोस्तों आप ये गलती हमेशा करते होंगे, इस वजह से लोग आपकी इज्जत नहीं करते। दोस्तों जब भी आपका कोई दोस्त बोलता है चलो भाई वहाँ घूमने चलते हैं तो आप उसे तुरंत हाँ बोल देते हैं और घूमने चले जाते हैं। दोस्तों आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ना कहने की भी आदत डालनी चाहिए अगर आपको अपनी इज्जत करवानी है तो। दोस्तों अगर आपको अपनी इज्जत करवानी है तो आपको लोगों से दूर रहना होगा, उन्हें अपनी कमी फील करवानी होगी, आपको अपने आप पर फोकस करना होगा, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। नंबर टू, ब्रिंग मैच्योरिटी इन यू। दोस्तों मानो या ना मानो इज्जत हमेशा समझदार और मैच्योर लोगों को मिलती है। दोस्तों अगर आपको अपनी इज्जत करवानी है तो आपको समझदार बनना होगा क्योंकि इस दुनिया में मूर्ख लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बोलते रहते हैं कि यार मैसेज सीन मार के छोड़ दिया, रिप्लाई तक नहीं दिया, बहुत ही ज्यादा भाव खाने लगा या लगी है। दोस्तों ये सारे के सारे काम इमैच्योर लोगों के होते हैं। दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि मैच्योर बनो, समझदारी लाओ अपने अंदर, लोगों से फालतू बातें करना बंद करो, अपने आप को सफल बनाना शुरू करो क्योंकि जब आपकी वैल्यू होगी तो लोग आपसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे। नंबर थ्री, इंक्रीज योर वैल्यू। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप इसका जवाब देना। दोस्तों आपको दो इंसान मिलते हैं, पहला वाला बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है और दूसरे वाले की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आप सच सच बताना आप किसको ज्यादा इज्जत देंगे, पहले वाले को या दूसरे वाले को? ऑफ कोर्स आप पहले वाले को ज्यादा इज्जत देंगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर आप सफल हैं तो लोग आपको इज्जत देंगे। दोस्तों ये बताओ कि हम कभी भी किसी मजदूर को ज्यादा इज्जत क्यों नहीं देते? क्यों आप सफल व्यक्ति को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं? क्योंकि सफल व्यक्ति के साथ रहकर आप भी सफल बनेंगे, आपको उससे कुछ फायदा होगा और जब तक आप लोगों के काम आ रहे हैं तभी तक लोग आपको इज्जत देंगे और जैसे ही आप कमजोर होते हैं फाइनेंशियली या फिजिकली जो भी, तो लोग आपको तुरंत इज्जत देना बंद कर देंगे। इसीलिए दोस्तों अपनी वैल्यू बढ़ाओ क्योंकि बिना वैल्यू वाले लोगों की कोई भी इज्जत नहीं है, अपने आप को कीमती बनाओ। दोस्तों मेरी ये बात हमेशा याद रखना। नंबर फोर, बी काइंड। दोस्तों अगर आप बहुत ही ज्यादा घमंडी हैं, बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हैं, आप सीधा मुंह किसी से बात नहीं करते तो लोग आपको इज्जत नहीं देंगे। दोस्तों इज्जत पाने के लिए हमारा काइंड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है और आप एरोगेंट हैं तो लोग सामने ऐसा दिखाएंगे कि वह आपको इज्जत देते हैं लेकिन वह पीठ पीछे आपको गालियां देंगे, आपकी बुराइयां करेंगे। इसीलिए दोस्तों आपका काइंड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपका दयालु होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपको अपनी रेस्पेक्ट करवानी है तो। दोस्तों आप जरूरतमंद लोगों की मदद करो, दयालु बनो लेकिन कभी भी अपने आप को दबने मत दो और किसी को दबाने की कोशिश भी ना करो। दोस्तों आपको लोग इज्जत तब देंगे जब आप उन्हें इज्जत देंगे। आपने इंग्लिश भाषा में ये जरूर सुना होगा, गिव रेस्पेक्ट देन टेक रेस्पेक्ट। दोस्तों इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को इज्जत दो तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। लोगों की इज्जत करो लेकिन किसी को भगवान मत समझो और ना ही कभी भी किसी को अपने से कमजोर समझो क्योंकि ये चीज आपको रूड बनाती है, आपको एकदम बेकार पर्सन बनाती है। दोस्तों आप दोनों चीजों में बैलेंस बनाकर चलो। नंबर फाइव, स्टिक टू योर वर्ड्स। दोस्तों इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो लोग होते हैं जो सिर्फ बोलते हैं कुछ करते नहीं है और दूसरे वो लोग होते हैं जो जैसा बोलते हैं वैसा करके भी दिखाते हैं, अपनी बात पर टिके रहते हैं। दोस्तों अगर आपने लोगों से कोई भी प्रॉमिस किया है तो आप प्रॉमिस करने के बाद कभी भी मुकरे ना अपनी बात से क्योंकि आपके शब्दों की कोई कीमत होती है। आपने लोगों को जो भी कमिटमेंट दिया है आप उसे पूरा कर ही माने चाहे हालात कुछ भी हो क्योंकि दोस्तों आपके द्वारा बोले गए शब्द बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। दोस्तों
मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है जो हर बार आपको लेट कराता है, वह 5 मिनट का बोलकर आपको 1 घंटे तक लेट करा देता है, तो दोस्तों आप ही बताओ क्या आप उसकी इज्जत करेंगे? नहीं करेंगे ना। दोस्तों आपकी जुबान की कीमत होनी चाहिए, क्योंकि पुराने जमाने के जितने भी राजा महाराजा होते थे उनकी जुबान की कीमत होती थी। उन्होंने जो बात बोल दी वो बात पत्थर की लकीर हो जाती थी। आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। इसीलिए दोस्तों आप भी अपनी जुबान का पक्का बनिए, आपको अपनी रेस्पेक्ट करवानी है तो। दोस्तों इन टिप्स को फॉलो करके आप भी अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहेंगे। जय हिंद।